हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टर अनबॉक्स मिस्टरी यूगर्स। आज हमारे पास है एम्पायर की मैग्नस इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका आज अपन पूरा का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो छोटे से इंट्रो के बाद मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ऐसे कुछ नंबर प्लेट मिल जाती है हमें, MH27DC1639। तो गाइस गाड़ी का सामने का कुछ लुक ऐसा है, ये पीछे का साइड का थोड़ी नंबर प्लेट दिखा दी हमने कि किस मिल जाती है। तो गाइस चलो अब साइड लुक देख लेते हैं गाड़ी का। तो गाइस ऐसी कुछ साइड से दिखती है ये गाड़ी, जो कि फुल की पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और गाइस ये गाड़ी बहुत ही मस्त तरीके से स्पीड पकड़ लेती है, एज इलेक्ट्रिक होने के बाद भी इतनी अच्छी स्पीड ये गाड़ी पकड़ लेती है, वो मैं आपको बीच में बताऊंगा। मैग्नस EX हाई मॉडल है गाइस, एम्पायर का मैग्नस का हाई मॉडल है EX। तो देखो ये पीछे के साइड में लाइट मिल जाती है, ये जो स्टील की ग्रिल है वो कंपनी के तरफ से आई है। तो देखो कितनी मस्त दिखती है गाड़ी, लगता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक है, बहुत ही दमदार गाड़ी। वैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही मस्त है। तो गाइस चलो अब इसके गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप देख लेते हैं। कुछ ऐसी की मिल जाती है हमें इसमें, जो ये ऑफ़ हो चुकी, ऑफ़ कर दी हमने, अभी ऑन। तो गाइस देखो ये ऑफ़ हो चुकी है, अभी हैंड लॉक वगैरह का सबका सिस्टम मिल जाता है। अब हमने जो है पीछे की बोनेट खोल लिया है, तो ये देखो इसके अंदर स्कार्फ तो हमारा है। तो गाइस इसके अंदर आपको फर्स्ट एड, कुछ नट बोल्ट पाने वगैरह मिल जाएगा, और यहाँ पे बटन, कितना मस्त और ब्राइट लाइट है। बाकियों के गाड़ियों में स्कूटी में भी वह आता है ये लाइट, पर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार है। गाइस ये जो है ना, ये नीचे की क्वालिटी का पूरी की पूरी स्टील का मेटल का बना है, तो क्वालिटी तो बहुत ही दमदार है। सीट गाइस बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट मिल जाती है हमें, जो कि मस्त बात है गाइस, ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल। और गाइस इस गाड़ी के प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलो गाइस अब गाड़ी का डिस्प्ले के बारे में देखते हैं स्पीडोमीटर के। तो गाइस ये जो बीच में आपको L से H तक दिख रहा है, वो उस गाड़ी के बैटरी का है, जैसे पेट्रोल में रहता है वैसे। ये इस साइड में आपको ग्रीन लाइट दिख रहा है, वो जब गाड़ी को अपन चालू करेंगे। देखो ये बटन दबाएंगे अभी, अरे दबाए नहीं अभी। तो गाइस देखो, तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का भी मिल जाता है फ़ोन का, जैसे आप चार्ज लगा सकते हैं। और गाइस आपको आपका डायरेक्ट USB लगाना है, बाकियों का कुछ झंझट नहीं गिरने वाला आपको, जैसे कि बाकी की होगी स्कूटियों को रहता है। तो गाइस दमदार, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अगर वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे आप कैरी बैग अटका सकते हैं। तो गाइस देखो बहुत ही मस्त। और गाइस यहाँ पे आपको चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, मतलब जो आपकी स्कूटी है उसको चार्जिंग करने का सॉकेट मिल जाता है, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो स्कूटी को चार्जिंग करने का सॉकेट मिल जाता है, जो कि गाइस वाटरप्रूफ है, कुछ पानी वगैरह का झंझट नहीं है आपको। ये थोड़ा सा लाइट वगैरह, हॉर्न, ये इंडिकेटर्स थोड़ा नीचे के साइड में है गाइस, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है पर चल जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का आपको ये बीच में दिख रहा है लाइट एम्पेयर के ऊपर, वो अब गाड़ी को आप अगर एक्सलेटर दोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी। तो गाइस देखो ये आपको देखो साइड में जो गियर दिख रहा है हाई लो, वो स्पीड का आपका, अगर लो पे रखोगे तो ठीक ठाक स्पीड से चलेगा, और हाई पे रखोगे तो देखोगे अभी। तो ये ग्रीन, अभी मैं इसको दबाता हूँ, देखो दबाने के बाद में ये ग्रीन हो जाता है, अभी गाड़ी चालू हो चुकी है। ये जब तक ये रेड है तब तक आप गाड़ी को नहीं चला सकते। तो आज बहुत ही मस्त तरीके का हाई क्वालिटी सिस्टम मिल जाता है हमें इस गाड़ी के अंदर। ये लाइट आपने जो नॉर्मली कुछ ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है लाइटों के बारे में। गियर्स गाइस बहुत ही दमदार, स्पीड बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है गाड़ी। तो गाइस देखो चालू हो चुकी है, अब देखो अब चालू होने के बाद आपको थोड़ा सा स्पीड देता हूँ मैं। ये गाइस हमने पीछे के स्टैंड पे खड़े करके गाड़ी को स्पीड दिए, और बहुत ही दमदार तरीके से ये गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और स्पीड तो बहुत ही मस्त तरीके से पकड़ती है गाड़ी, साइलेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने खुद गई इस गाड़ी को चलाया, एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, साइलेंट है। 50 के स्पीड पर गई भी थी अभी गाड़ी। तो गाइस आपके सामने ये स्पीड दिखा दी है मैंने, बहुत ही दमदार गाड़ी है। तो गाइस चलो अब इसका थोड़ा सा और भी स्पीडोमीटर को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो ये 65 वोल्ट का है गाइस वो, और ये किलोमीटर्स वगैरह सब है। ये 524 किलोमीटर अब तक चलाई है हमने। ये हाई लो जो गियर के बारे में मैंने कहा था, हाई पे रखूँगे तो आपकी गाड़ी तो मतलब एकदम ही स्पीड से चलने वाली है, जो कि अगर आप हाईवे वगैरह पे ये गाड़ी को लेके चलाते हो तो
बहुत ही स्पीड से चलने वाली, मैक्सिमम स्पीड इसकी 55 है जो कि बहुत ही है इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा है गाइस 55, वरना नॉर्मली 35-40 मिल जाती है हमें। तो गाइस ब्रेक वगैरह सिस्टम एकदम ही अपने नॉर्मल स्कूटियों की तरह है, जो कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराएगा कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को चला रहे हो, बस आपको साउंड नहीं आएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी का। तो ये बात है, दूर से तो ऐसा लगता है कि ये गाड़ी पेट्रोल की ही है। तो गाइस देखो मस्त गाड़ी है। तो गाइस आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का कर लेना ऑल पे सेट, मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। सबसे पहले ये कंपनी की तरफ से ही आया है हमें, जो स्टील की ग्रिल मिल जाती है। गाड़ी का जो गाइस बिल्ड क्वालिटी है, बहुत मस्त बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है हमें, एकदम ही गाइस हाई क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी है इसकी, एकदम ही फाइव स्टार मेरी तरफ से। तो ये यहाँ पे भी जो कुछ आपको कैरी बैग वगैरह होगी वो लमकाने का, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है गाइस इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये देखो गाइस इसकी जो अपने चार्जर दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे को लगता था कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चार्जर होना था, पर चल जाएगा गाइस, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता तो अच्छा लगता। तो गाइस देखो 4 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज होती जाती है, और एक फुल चार्ज में ये गाड़ी 80 to 100 किलोमीटर चल जाती है, जो कि एक्सट्रीम लेवल के दम पे। पेट्रोल के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गाइस आपको जो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही खरीदनी है, क्योंकि गाइस बहुत ही और इको फ्रेंडली है, बिल्कुल भी कुछ पोल्यूशन नहीं कुछ नहीं। ये देखो चार्जिंग वैसे लग जाती है। यहाँ पे गाइस आपको जो चार्जर है ना उस पे ही आपको कुछ जैसा दिख जाता है, मतलब कितनी चार्जिंग है, 25%, 50, 75 वगैरह सब आपको चार्जर पे ही भी मिल जाता है। और गाइस मतलब रात को लगा दी चार्जिंग पर आपने, और सुबह आप 100 किलोमीटर चलाने के लिए रेडी, एकदम ही दमदार। बस गाइस बहुत ही मस्त गाड़ी है। इस गाड़ी पर तो आपको इस वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब तो भूलना ही मत। तो चलो गाइस देखते हैं अभी और एक्सप्लोर करते हैं गाड़ी को थोड़ा। चलो गाइस आपको थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो गाइस थोड़ा सा लुक देख लेते हैं गाड़ी का, दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त है गाड़ी। इलेक्ट्रिक तो मेरे को लगती ही नहीं है, मैंने खुद जब पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बहुत ही मस्त, थोड़ी सी लंबी है गाड़ी तो। चीज़ बाय बाय।